गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। उष्मा उपचार की क्या क्या अवस्थाएं हैं इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट का भी अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले उष्मा उपचार की तीन अवस्थाएं क्या हैं इनके बारे में जानें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहली अवस्था हीटिंग, दूसरा सोकिंग, तीसरा क्विंचिंग है। स्टील को गर्म करना हीटिंग कहलाता है और स्टील को गर्म करके एक सर्टेन तापमान पर निश्चित समय तक रखना सोकिंग कहलाता है। और जब स्टील को एक सर्टेन टेम्परेचर अर्थात एक क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव गर्म करके उसमें डिजायर्ड गुण लाने के लिए उसे पानी में या तेल में ठंडा करना, डुबा देना क्विंचिंग कहलाता है। मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। उष्मा उपचार की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर एक नॉर्मलाइजिंग, नंबर दो एनेलिंग, नंबर तीन हार्डनिंग, नंबर चार टेम्परिंग, नंबर पाँच केस हार्डनिंग। आइए अब बारी बारी से इन सब का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजिंग का अध्ययन करते हैं। जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है या भारी कार्य किया जाता है तो इसकी अंदरूनी बनावट में विकृति आ जाती है और इस अंदरूनी विकृति को दूर कर उसे समान स्थिति में लाने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है उसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अर्थात जो मेटल में जो कभी ठोकने पीटने से जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस पैदा हो जाता है और उसको दूर करके धातु को जो सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया है वह नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में स्टील के पुर्जों को कांतिक तापमान से 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कुछ समय तक इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है अर्थात इसको सोकिंग में रखा जाता है। इस समय स्टील की किस्म और मात्रा के अनुसार यह तय होता है कि कितना देर उसको जो है सोकिंग की अवस्था में रखना है। इसके बाद इसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के करने से स्टील का सामर्थ्य बढ़ जाता है, इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रेस समाप्त हो जाता है और जो ग्रेन साइज हैं वो जो है स्ट्रेंथफुल हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। यहाँ पे आप एक फिगर को देख रहे हैं, यह प्लेन कार्बन स्टील का नॉर्मलाइजिंग तापमान को दिखा रहा है। सबसे नीचे वाला भाग परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील को दर्शा रहा है और जो हॉरिजेंटल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, वो टेम्परेचर के बारे में दिखा रहा है कि किस टेम्परेचर पे धातु का नॉर्मलाइजिंग स्टील के लिए क्या टेम्परेचर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 723 डिग्री तापमान किसी भी मेटल का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, किसी भी कार्बन परसेंटेज का,
और उससे ऊपर जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर को दिखाया गया है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अभव जो है हमारा नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर होता है। लो कार्बन स्टील के लिए यह टेम्परेचर अधिक होता है। जैसे जैसे यह यूक्टाइड स्टील की ओर जाता है यह धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जाता है। अब पुनः यूक्टाइड स्टील जो कि 0.84 पे होता है वहाँ से ये जो नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर है फिर राइज होने लगता है। अब दूसरी प्रक्रिया जिसे कि अनेलिंग कहते हैं, स्टील धातु के पुर्जे को मशीनिंग करने के लिए आंतरिक प्रतिबल मुक्त करने और कणों के आकार को सुधारने, अधिक नर्म व तार खींचने योग्य बनाने के लिए अनेलिंग प्रक्रिया की जाती है। साधारणतः हम इससे यह समझ सकते हैं कि अनेलिंग एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, मेटल को हार्ड से सॉफ्ट करने की प्रक्रिया है। एनेलिंग की विधि में स्टील को कांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके पर्याप्त समय तक सोखने दिया जाता है। सोखने मतलब सोखिंग, अर्थात उस टेम्परेचर पर कुछ समय तक रखा जाता है। सोखने की अवस्था में कार्बन स्टील को 5 मिनट प्रति 10 mm मोटाई तक रखा जाता है। तापमान जो है सोखिंग का यह कार्बन के प्रतिशत पर निर्भर करता है। स्टील को ठंडा करने के लिए स्टील के पुर्जे को सूखा चूना, राख आदि से ढक दिया जाता है जिससे वायु पुर्जे के संपर्क में नहीं आते और स्टील धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके गुणों में परिवर्तन होता है और स्टील मुलायम बन जाता है। यहाँ एक फिगर दिखाया गया है जो प्लेन कार्बन स्टील का एनेलिंग तापमान को दर्शाता है। जैसा कि सबसे निचला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कार्बन का परसेंटेज और जो वर्टिकल लाइन है वो जो है टेम्परेचर को दिखाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री होता है। फिगर को अगर ऑब्जर्व करें तो जहाँ है कार्बन का प्रतिशत कम है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है एनेलिंग का अधिक होता है। जैसे जैसे यूक्टाइड स्टील अर्थात 0.084 की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। और पुनः जब हम लोग यूक्टाइड स्टील अर्थात 0.84% से आगे बढ़ते हैं तो ये जो है टेम्परेचर यूक्टाइड मतलब हाइपर यूक्टाइड स्टील के लिए एक समान रहता है। अगला हीट ट्रीटमेंट की विधि है हार्डनिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह मेटल को हार्ड करने की विधि है। नरम स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म हुआ निश्चित तापमान पर ठंडा कर कठोर बनाने की विधि को हार्डनिंग कहते हैं। इसके कारण कठोर स्टील घर्षण से घिसती नहीं है, इसमें अन्य धातुओं को काटने की क्षमता आ जाती है। स्टील को कार्बन की मात्रा में के अनुसार क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक गर्म किया जाता है और कुछ समय सोखने का समय दिया जाता है। प्रायः 10 mm मोटी स्टील को 5 मिनट सोकिंग टाइम दिया जाता है और पुनः इसे पानी या तेल में ठंडा कर दिया जाता है। पानी में या तेल में ठंडा करने की जो दर होती है इसी के ऊपर उस मेटल का हार्डनेस डिपेंड करता है। इस प्रक्रिया से नरम स्टील में कठोरता आ जाती है। जिस स्टील में कार्बन 0.5% होता है उस स्टील को कठोर करना संभव नहीं होता है क्योंकि कार्बन की अल्प मात्रा होने के कारण इसमें हम लोग हार्डनिंग ना करके बल्कि उसकी केस हार्डनिंग करके उसमें हम लोग कार्बन को इंड्यूस्ड कराते हैं।
अगली प्रक्रिया टेम्परिंग, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है हीट ट्रीटमेंट का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्डनिंग जब किसी मेटल का किया जाता है तो उसके अंदर टूटने का गुण अर्थात ब्रिटलनेस आ जाता है। तो उस ब्रिटलनेस के चलते अगर कोई भी टूल्स हार्डनिंग के चलते टूट जाए तो हमारा औजार बेकार हो जाएगा, अतः उसमें झटका सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग उस धातु के पुर्जे को टेम्परिंग करते हैं। किसी औजार को हार्डनिंग की प्रक्रिया से कठोर किया जाता है तो उसका सिरा भंगुर बन जाता है। इस ब्रिटलनेस के प्रभाव को कम करने के लिए उस औजार या पुर्जे से टेम्परिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे औजार में कठोरता के साथ साथ जो भंगुरता का गुण है वो कम हो जाता है और उसमें झटका सहने की क्षमता आ जाती है और प्रहार होने पर भी वह नहीं टूटता है। इस विधि में पुर्जे को टेम्परिंग तापमान 220 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 330 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। हाई स्पीड स्टील और हार्डेंड स्टील के लिए ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एलॉय स्टील के लिए 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात पानी या तेल में डुबाया जाता है। पानी में और तेल में डुबाने के बाद में इसे ठंडा करने की प्रक्रिया में गर्म धातु ऊपरी सतह से गर्मी लेकर वायु के संपर्क में आते ही भिन्न भिन्न रंग में बदलने लगता है, जैसे भूरा, पीला, बैंगनी, नीला आदि। जिस स्तर पर टेम्परिंग करनी होती है उसके रंग के अनुसार पूरा आते ही पानी में पुनः ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग किसी भी मेटल का टेम्परिंग करते हैं। आप लोग लोहार के पास में छेनी पे पानी चढ़ाने के लिए गए ही होंगे, तो लोहार सबसे पहले उसको गर्म करके आधा छेनी का अगला हिस्सा को पानी में डुबा कर हल्का ठंडा करता है, और जब चीजल का पीछे का गर्मी जो लाल अधिक होता है जब आगे की ओर बढ़ता है तो पुनः जो अगला हिस्सा जो कटिंग एज होता है उसमें एक निश्चित कलर आने के बाद डिजायर्ड कलर आने के बाद में पुनः चीजल को पूरा ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रकार उस चीजल में हार्डनिंग एंड टेम्परिंग एक ही बार में कर दिया जाता है। मेटल का टेम्परिंग तापमान मेटल के कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है और वो मेटल किस प्रकृति का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो टेबल दिखाया गया है उसमें बिना अनुचित कठोरता के टफ करने के लिए 450 से 700 डिग्री, कोई रंग नहीं, पेचकस और स्प्रिंग के लिए 340 से 320, और कबूतरी नीला अर्थात बहुत गहरा नीला और 300 डिग्री पे गहरा नीला, कोल्ड सेट स्टील कटिंग के लिए 290 डिग्री हल्का नीला, कोल्ड चीजल प्रेस औजार के लिए 280 डिग्री गहरा पर्पल, स्नैप रिवेट के लिए 270 डिग्री भूरा पर्पल, ट्विस्ट ड्रिल के लिए 260 डिग्री रेडिश भूरा, पंच रीमर टैप सीयर ब्लेड के लिए 250 डिग्री भूरा, मिलिंग कटर व ड्रिल के लिए 240 डिग्री गहरा स्टॉक, टर्निंग 230 डिग्री हल्का स्ट्रॉ। इस प्रकार से हम लोग एक निश्चित रंग को देखकर उसका टेम्परेचर भी जान सकते हैं और उस टेम्परेचर पे ही हम लोग टेम्परिंग की प्रक्रिया करते हैं। अगले क्लास में हम लोग केस हार्डनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। केस हार्डनिंग की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसका हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक सभी लोग ध्यान रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय।